ओके सो अभी क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम बनाएंगे। तो उसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक गो टू क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स और यहाँ पे जाके हमने पाइप लिया और इस पाइप को हम करेंगे रोटेट। ओके सो 90 डिग्री रोटेट कर लेते इसको ऐसे एंड यहाँ पे प्लेस करेंगे इसका। यहाँ पे जाके उसका रेडियस थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं मिडिल माउस प्रेस करके। ओके रेडियस इज फाइन आई गेस। ओके तो 1.8 करके देखते हैं। ओके यहाँ पे थिकनेस कम कर देंगे 0.3 मे बी 0.2। ओके 0.2 इज फाइन आई गेस। ओके एक बार इसको वायर फ्रेम ओके 0.1 करके देखते हैं। 0.2 भी कुछ ज़्यादा ही पॉइंट टू रहेगा एंड इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे क्योंकि मैं गलत एक्चुअली ये इधर रहेगा ऐसे बेसिकली यहाँ पे ऐसे स्क्वायर करेंगे और 0.1 करके देखते हैं अभी। ठीक है ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको तो मे बी अंदर की तरफ लेके आते इसको। ठीक है ऐसे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके और अभी हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये जो पार्ट है ना दिस पार्ट वी वांट। ओके बाकी का सब हटा देंगे तो बेसिकली ये सब डिलीट कर देते हैं। डिलीट 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 ये सब डिलीट कर देंगे। इवन टॉप व्यू में जाके ओके सो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे मॉडिफाई सेंटर पिवट और इसको हम एग्जैक्टली यहाँ पे ला के रखेंगे सीधे। ये जो लाइन है ना यहाँ पे इस तरह से रखा है इसको मैंने। ओके उसके बाद अभी हम लाइक मे बी ये भी हमें नहीं चाहिए। ओके इसको भी हटा दो। ठीक है एंड मे बी इसको भी हटा देते हैं और फिर बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट है दैट विल एडजस्ट। इसको हम एडजस्ट करेंगे वाटर सेलेक्ट करके ये ऐसे लिखा है इधर ये ऐसे लिखा है इधर। ओके तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर रहा ऐसे। ओके तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट बाहर आ रहा है। ओके ये कुछ इस तरह से अंदर की तरफ रहेगा जो कि हम बाद में करेंगे। ओके देखो ये जो सामने ये जो है ना वर्टिसेस तो देखो बेसिकली ये इस तरह से होगा बट वो हम बाद में अभी नहीं। ओके अभी तो मैं जैसा है वैसे रखूँगा इसको। ठीक है तो यहाँ पर आके इसको हम ऐसे रखेंगे एंड फाइन। ओके तो ये ऐसे है। ठीक है इसको भी हम वही सेम मटेरियल अप्लाई करेंगे जो इसके ऊपर है तो राइट क्लिक असाइन फेवरेट यहाँ पे है ऑलरेडी असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल तो यहाँ पे ब्लीड मटेरियल हमने असाइन किया तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड वायर फ्रेम ऑन करते हैं चेक करेंगे। तो देखो अब ये जो है ना देखो ये यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर लेते तो मे बी इसको सिलेक्ट करके वी प्रेस करके स्नैप कर दे इसके साथ ऐसे और फिर ये जो वाटर से इसको थोड़ा सेलेक्ट करूँगा ऐसे एडजस्ट करूँगा। ओके इवन ये जो है इसको सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं। ओके अभी ये जो एजेस है ओके विल सेलेक्ट दिस एजेस ये ऊपर के एजेस सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे नहीं किया अभी तक यहाँ पे भी करेंगे और टॉप व्यू में आया। टॉप व्यू में आने के बाद एक्सट्रूड और एक्सट्रूड करके हम यहाँ लेके आएंगे ऐसे। देखो ये जो लाइन है ना यहाँ पे इधर रखा है।
अभी टॉप व्यू में तो ठीक है, बट फ्रंट में आके देखेंगे तो फ्रंट में ये लाइन कहाँ पर एग्जैक्टली, देखो दिस लाइन, देख रहे हो ये लाइन यहाँ पे, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी लेके आएंगे ऐसे, और ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह से दिखना चाहिए ऐसे, तो ये मैंने ऐसे रखा है इधर। ओके सो समथिंग लाइक दिस, देन इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करूँगा मैं, जो लाइन है उस लाइन को मैं फॉलो करूँगा। ओके तो ये देखो ये ऐसे दिखने वाला है अभी, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अभी इधर जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें इसको एडजस्ट करना है ऑफकोर्स, ये पूरा इधर ऊपर आएगा ऐसे, ये जो है वर्टेक्स ये ऐसे आएगा, इस तरह से हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं। ओके नाउ क्या करते हैं, ये जो है इसको भी हम एक्सट्रूड करेंगे, ये जो वर्टेक्स है इसको सेलेक्ट करके ऊपर लेके जाते हैं, स्नैप कर देंगे इधर, भी यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है तो ऐसे एडजस्ट करेंगे इसको। Select this edge, select this, extrude, straight line कर देंगे इधर ऐसे, और ये vertex को हम snap कर देंगे, don't worry यहाँ पे triangle बन रहा है, देखो ये vertex इधर आएगा और ये इधर होगा ऐसे, right? And यहाँ पे triangle बन रहा है ऐसे, this यहाँ पे triangle बन रहा है, okay? और इसको हमें adjust करना है, तो यहाँ पे मैं इसको पहली बार तो merge कर देता हूँ, okay? एंड अभी यहाँ पे देखोगे देखो कैसे वियर्ड हो रहा है ये, है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने इसे ये किया, बट देन ये जो वर्टेक्स है इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, ओके और ये जो लाइन है, ओके अभी यहाँ पे मैं वायर फ्रेम माउंट कर देता हूँ, और बेसिकली क्या करेंगे अभी, देख ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल को हमें सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ मल्टीकल टूल, लेट्स से यहाँ से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, एंड विल डिलीट दिस लाइन, ओके ये जो है ना इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, ओके एंड यहाँ से मतलब हमें यहाँ पे एक एज लूप चाहिए, इधर एक एज लूप चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना इंसर्ट एज लूप टूल और यहाँ पे एक एज लूप डाल दिया इसे, ठीक है, और फिर यहाँ से मल्टी कट टूल से हम क्या करेंगे इसको, तो ये सिलेक्ट किया ऐसे, अच्छा यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, एक मिनट कनेक्टेड नहीं है, इसको कनेक्ट कर देते, लेट मी चेक, मर्ज नहीं होता क्या, हो गया अभी, और अभी हम मल्टी कट टूल लेंगे, विल कनेक्ट दिस, ये ऐसे देखिएगा, ठीक ऐसे कुछ देखिएगा, 1 2 3 4 ठीक है, सो फाइन ये सही हो गया अभी,
इसको स्नैप कर देते हैं। तो देखो ये ऐसे दिखने वाला है अभी, ठीक है। अभी टॉप व्यू में जाके चेक करते हैं, तीन प्रेस करके देखेंगे, तीन प्रेस करके देखेंगे तो ये ऐसे होने वाला है। ओके यहाँ पे दिस पार्ट, ओके यहाँ पे थोड़ा सा नॉट लुकिंग गुड। ओके सो लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं टॉप व्यू में जाके देखूंगा पहले, और बेसिकली ये जो वर्ड इसको थोड़ा सा मैं ऐसे, और ये जो लाइन है इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इवन ये जो है इसको भी थोड़ा सा हम अंदर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पे अगर हम वायर फ्रेम में जाके चेक करेंगे तो से दिस, बेसिकली ये जो लाइंस है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए ऐसे, कुछ इस तरह से। और ये जो वर्टेक्स है ना इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे, और जब हम इसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे ये जो लाइन है तो सरफेस भी परफेक्ट रहेगा। और ये जो है वर्टेक्स इसको सिलेक्ट करके स्नैप इट हियर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सी दिस, तो ये जो सरफेस है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। सो फार सो गुड, ओके तो ये कुछ इस तरह से है एंड यस परफेक्ट। ओके उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड व्यू में आते हैं। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा ये करेक्ट करना पड़ेगा, वी प्रेस करके यहाँ पे स्नैप कर देते इसको, एंड वर्टेक्स में स्नैप करने को, ओके ओके ना हो। इतना होने के बाद अभी इधर का जो पावर पार्ट है ये आगे वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये जो है ना ये इधर तक ऐसा शेप होना चाहिए, से दिस। सो लेट्स इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, वर्टिसेस में यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जो है इनको भी सिलेक्ट करेंगे, ये जो दो एजेस सिलेक्ट किया मैंने, और इसको भी हम ऐसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे जैसे दिख रहा है वैसे ब्लूप्रिंट के अंदर। ओके और फिर देखो ये मैंने एक्सट्रूड तो किया, पर यहाँ पे देखो किधर ये ऐसे दिख रहा है, और फिर ये इधर ला के रखेंगे ऐसे। ओके और उसको ला के रखने के बाद ये देखो ऐसे दिखने वाला है, देन यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। और ये इधर आएगा ऐसे, इधर रख देते, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो इधर एज है ना, इधर भी एक एज लूप ऐड कर देंगे। तो इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। एंड नाउ ये इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे सेलेक्ट किया मर्ज, और मर्ज करने के बाद फिर हमें इसको भी एडजस्ट करना है। देखो बेसिकली अभी यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है, तो ये प्रॉपर लाइन होना चाहिए ना। देखो इस तरह से मैं एडजस्ट करूँगा इसको, सही दिस
ये इसको भी थोड़ा सा इसको इधर ही रखते हैं, इसे वायर फ्रेम में जाके देखेंगे। तो मुझे लगता है ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एचडीपी ऐड करेंगे देखो इधर। ओके तो ये मैं इधर ऐसे रख के इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे बहुत बड़ा गैप फॉर्म हो रहा है। सो फिलहाल मैं ऐसे रखता हूँ और मैं चेक करूँगा। टॉप में जाके चेक करते हैं, टॉप व्यू में सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये जो है देखो, ये लाइन जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो है इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। ओके देखो तीन प्रेस करके चेक कर लेते हैं। ओके नाउ इतना होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, एक एज लूप ऐड कर देते हैं। इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे इसके साइड में से एक शार्प एज रखूँगा मैं, एंड फिर चेक करूँगा तीन प्लस करके, एंड नाउ विल सी कैसे दिखता है शेप। देखो परफेक्ट है ना, सही दिस। तो ये सही हो गया। ज्योमेट्री देखते हैं, तो देखो इस तरह से वायर फ्रेम में अगर देखेंगे बहुत ही कम लाइन्स के साथ हम इसको बना रहा। ओके सो यस, तो ये शेप इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वी नीड टू वर्क। ओके ये थोड़ा सा बाद में हम करेंगे। ओके विल क्लीन दिस आउट, अभी तो सिर्फ बेसिक शेप हम यहाँ पे बना रहे हैं। ओके सो अभी यहाँ पे आते हैं, एंड दिस पार्ट आल्सो वी हैव टू क्लियर। तो ये जो है ना इसको ऐसे रखेंगे ऐसे, और फिर ये जो एज लाइन है इसको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। सिलेक्ट किया या ऐसे एक्सट्रूड किया, फ्रंट में तो सही लग रहा है राइट, बट अभी यहाँ पे देखो देखो साइड व्यू में देखेंगे तो कैसे दिख रहा है। देखो तो साइड व्यू में भी इसको एडजस्ट करना है प्रॉपरली लाइक दिस, एंड ये नीचे वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एडजस्ट करो ऐसे। ओके डॉग्स आर बार्किंग, रात के 1:30 बज गए। ओके और यहाँ पे डॉग्स जो है स्ट्रीट डॉग्स, पता नहीं इनको क्या दिखता है, भूक रहे हैं। एनीवे सो यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल, और फिर मैं यहाँ पे ऐसे और ऐसे, और देन इसको मर्ज कर देंगे। ओके सो लेट्स मर्ज इट, इसको सिलेक्ट किया मर्ज मर्ज, एंड यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करके मर्ज किया। ओके थिंक प्रेस करके देखते हैं, और ये जो शेप है आई थिंक टॉप व्यू में भी चेक करना है। ओके टॉप व्यू में सही है, साइड में सही है, फ्रंट में सही है। ओके थोड़ा सा फ्रंट में मुझे लगता है नहीं, ठीक है सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और डन। सो दिस इज देखो इस तरह से शेप बनेगा। ओके अगर हम इसको लाइक लेट्स से इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी ग्रुप किया इसका, देखो यहाँ पे ग्रुप किया तो सेंटर में आएगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया, और यहाँ पे एक्स है ना तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 डालेंगे, इसका रिफ्लेक्शन मतलब उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो इतना पार्ट हमने बना लिया, सही दिस। ओके और अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो पार्ट है ये पीछे वाला इसको हम बनाएंगे। ओके